मैं थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ सारिया का कि ती मैं सद्या इत एंड जो कुछ भी तुम कर रहे हो मेरे फादर वास्ते मैं थोड़ा पूरी लाइफ वास्ते इंडेटर बनूंगा। जिहड़ा इत्थे पाक बन रहा है, इनफैक्ट मैं सरपंच साहब नाल गल कर रहा सी हुणी कि एक अपने पिंड दे वड्डियां दी एक समाध मेन रोड ते हैगी है, उहदे नाल मेरे ख्याल कितनी सारी जमीन भी हैगी है कि उहनूं भी जे डिवेलप किया जाए तो जिहड़ा स्टैचू कारगिल लग्या तो चौंक ते लग्या उहदे नाल दा मैं एक होर बना के पिंड नूं सरपंच साहब नूं वो दे दूंगा जे उन्होंने उत्थे लोड़ा चाहिया। उस ही साइज़ का 6 फुटा स्टैचू है, उस ही मोल्ड चो कढ़ के असी दे दिया। जिहड़ी थां शहीदी प्राप्त कीती है वो जिहड़ा पूरा हिल फीचर है उहदा नाम भी रंधावा रेंज ही रख्या होया है ते ए सारे पिंड वालियां नूं मैं दसना चाहुंदा वो रंधावा पहाड़ी अज भी कलौंदी है। इस तो अलावा एक होर बड़ी अजीबो गरीब घटना हुई है साडे नाल, उन्हां दी शहादत 17 मई सवेरे सवेरे हुई है ते मेरा जिहड़ा छोटा लड़का है वो भी उस ही टाइम ते 17 मई नूं वो जन्मे ते जदों वो छोटा सीगा ते बीजी कहिंदे हुंदे सी कि इहदे विच उही गुण हैगे है जिहड़े मेरे फादर विच ते सब तो ज़्यादा मैं थैंक अपने हुण दे पापा नूं करना चाहुंदा है कि उन्होंने सानू जदों मेरे फादर साहब की डैथ हुई तो मेरे चाचा जी ने मेरे फादर मेरे मदर नाल ब्याह करा लिया, उहदे नाल उन्होंने सानू सारिआं नूं बचा लिया। धक्के खांदा फिरदा हुंदा उन्होंने वधिया पढ़ाया मैनू ते जिथे मैं पहुँचे हैं उन्हां कारण पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने कोई घाट नहीं छड़ी। ये मेरे ख्याल रंधावा खून है जिहड़ा बोलदा ते उन्होंने एडा कुछ दूजे भरा ने भी त्यागिया पहले भरा वास्ते। कुछ पुरानियां तस्वीरां मैं रीप्रिंट कराइया हुई हैं जिहड़ियां कि जिन्हें भी इत्थे साडे बजुर्ग है उन्हां दी महाराजा रणजीत सिंह नाल जिहड़ियां तस्वीरां हैगियां पेंटिंग्स हैगियां वो मैं रीप्रिंट कीती है, वो मैं सरपंच साहब नूं दे दूंगा, जिहड़े भी इच्छुक होंगे वो उन्हां तों लै सकदे है। बहुत वधिया सोहणियां तस्वीरां जिहड़ियां फ्रेम कर सकदे हो तुसीं। इहदे नाल मैं सारिआं दा तुहाडिआं दा धन्नवाद करदा कि तुसीं टाइम कढ़िआ इत्थे आए ते मैनूं सारिआं नूं मिल के बहुत बहुत खुशी होई है। मेरे पिता जी रोज़ ईसापुर दीआं गल्लां करदे है ते अज वो गल्लां दे नाल वो बंदिआं दे नाल मैं चेहरे भी रिलेट कर दूंगा कि इन्हां बारे गल कर रहे। हाँ, सब तो पहला वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह। असीं अज पिंड ईसापुर दे विच एक गेट का उद्घाटन किया जिहड़े 1965 दे विच मेजर साहब सरदार बलजीत सिंह होनी शहीद होए सी। सो माण सरकार दा असीं धन्नवाद करना चाहुंदे आ, सीएम साहब दा धन्नवाद करना चाहुंदे आ कि जिन्हां ने फिर शहीदां नूं याद कीता क्योंकि लगभग जिहड़ा साडा पंजाब सी गुरुआं पीरां धरती दे शहीदां दे नाम ते जिहड़ा जाणिआ जांदा सी। सो सीएम साहब का धन्नवाद करते हैं कि जिन्होंने साढ़े हल्के 6 गेट जिहड़े पास हो के आए ने जिहड़े 1965 या 71 दे विच जिहड़े शहीद होए सी उन्हां दे विच इक सी सरदार बलजीत सिंह जी होनी जिन्हां दा अज ईसापुर पिंड दे जिहड़ा सी उद्घाटन किया है गेट का। सो तां उन्हां दे बेटा है जी जिहड़े
इस टाइम नवांशहर डी सी ने सरदार नवजोत सिंह जी हुणी रंधावा वह भी इत्थे पहुँचे नहीं सी। उन्होंने भी असी जी आख्या कि अपना जो समा कढ़ के अज अपने जद्दी पिंड भी जिहड़ा जी की देख रहे ने अपने पिछले पुराने घर देख रहे ने गलियां देख रहे ने हवेलियां देख रहे ने अजे भी पिंड दे विच ही ने। सो बहुत वधिया लगा कि उन्होंने भी वधिया लगा कि उन्होंने भी मान सत्कार का जिहड़ा कि धन्नवाद किया कि जिहड़ा साडे पिता जी का जिहड़ा कि गेट बन जा रहा जी। मैं नंबरदार हरगोपाल सिंह पिंड ईसापुर तो हाँ। अज साढ़े पिंड जायदार परिवार चो जो मेजर बलजीत सिंह कारगर दुपहर से शहीद हुए सन उन्होंने लड़के साढ़े पिंड आए हैं तो उन्होंने अपने पिता जी की याद में साडा गेट दादी पत्थर रखा तो ही मैदियाँ चेयरमैन साहब बलदेव सिंह मैदी भी आए आ उन्होंने पिंड वाले बड़ा स्वागत किया। ये परिवार के बहुत ही बड़े बड़े अफसर साढ़े पिंड हो ब्रिगेडियर मेजर जनरल कर्नल तक रिटायर हो जिन्होंने साढ़े पिंड वाले बड़ा माण है इन्होंने कि माण महसूस होंगे जो चेर बाद अपने पिंड पिंड बड़ी खुशी होंगी है जो पिंड का नाम उच्चा जिन्हें किया पिंड का नाम सारी दुनिया के मशहूर किया बहुत ही बड़ी खुशी की बड़ी माण वाली गल है। असी प्रार्थना करते हैं भी जोड़े जोड़े पिंड बड़े बड़े अफसर बन के गए हैं वो जरूर साढ़े पिंड आ के गेड़ा मारन साडा पिंड का माण उच्चा करन।